हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो कंटीन्यूअस रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ओवर द इंटरवल ए बी इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कॉन्स्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो फंक्शन है उसका कॉन्स्टेंट रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो जहां पे फंक्शन हमेशा एक जैसा रहे, कॉन्स्टेंट रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू के है किसी इंटरवल में ए टू बी में, और हमें पता है टोटल इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटरवल की मान होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करके के की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 अपॉन b माइनस a निकल जाएगी। तो कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो ए बी इंटरवल में डिफाइन की गई है उसका फार्मूला होता है 1 ओवर b माइनस a व्हेन एक्स लाई बिटवीन ए टू बी 0 अदरवाइज। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से 3 है इन अ प्रॉब्लम, तो फंक्शन आपका हो जाएगा 1 ओवर b माइनस a, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा इंटरवल एक्स 0 to 3 हो जाएगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली हम इसको लिखते हैं एक्स यू ए बी या एक्स आर ए बी, एक्स ए ऑफ टाइप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका है। इसी तरह जो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कैपिटल एफ एक्स, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये निकलेगा, आप उसको निकाल के ट्राई कर सकते हो। अब मेन हमारा इस वीडियो में क्या काम है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक्स जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है उसकी हमने निकालनी है मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स निकालनी आपको सिखाई गई है। न्यू आर डैश का मतलब होता है आर एथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर, इट सिंपली मीन इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स आर एफ एक्स। तो फंक्शन मेरा क्या है 1 ओवर b a, तो वो कॉन्स्टेंट उसको बाहर रख लिया गया, एक्स आर की इंटीग्रेशन कर दी। तो आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है एक्स की आर प्लस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन, अपर लिमिट लोअर लिमिट उठ गए आपके मूवमेंट्स आ गई है। जब इसमें आर को 1 पुट करोगे तो वो आपका मीन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके फैक्टर बना लेंगे तो वो नीचे से कैंसिल होके आपका मीन आ गया बी प्लस ए बाय टू। अगर कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ए टू बी इंटरवल में तो इसका ये मीन होता है ए प्लस बी बाय टू। इसी तरह अगर आर टू को पुट करेंगे, आर को 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास न्यू टू डैश आ जाएगा भाई। यहाँ पे अब फार्मूला बन गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब का, वो होता है बी माइनस ए ब्रैकेट बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो बी माइनस ए नीचे से कट गया तो आपके पास ये न्यू टू डैश आ गया भाई। ठीक है जी, न्यू टू डैश आने के बाद आपको वेरियंस निकालने का बेटा फार्मूला आता है न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश स्क्वायर। तो न्यू टू डैश की वैल्यू पुट कर दी गई, न्यू वन डैश का स्क्वायर कर दिया गया, तो सॉल्व करके ये आपके पास वेरियंस आ गया। आप लोगों ने याद कर लेना है कि इसका मीन होता है ए प्लस बी बाय टू और वेरिएंस होता है b माइनस a का स्क्वायर बाय 12। इतना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो आप सभी को पता है डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। तो e की tx को फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस a कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, e tx की इंटीग्रेशन e tx ही हो जाएगी, डिवाइड बाय t हो जाएगा। आफ्टर दैट पुटिंग द लिमिट्स x की जगह b और a पुट करके ये आपका आ गया मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं e की पावर को bt को और e की पावर at को, तो सिंपलीफाई करके आप क्या करोगे e वाली पावर सेलेक्ट कर लो t स्क्वायर वाली, इस तरह आपके पास यहां से जो rth मूवमेंट है u r डैश वो निकल के आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ tr ओवर r फैक्टोरियल, तो आपके पास ये चीज निकल के आ गई है जी, क्योंकि डिवाइड बाय t भी है ना यहाँ पे देखो, तब ये t इसको डिवाइड करेगा इस चीज को तो t r का कोफिशिएंट दे देगा। इसमें r को 1 2 3 पुट करो तो यहां से भी आपके पास न्यू 1 डैश न्यू 2, इस तरह भी हम मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। हमें आपको सिखाया गया है कि मूवमेंट्स या तो आप सिंपल डेफिनेशन से निकाल लीजिए या आप उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड करके mgf की वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो जब आपके पास मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन आ जाती हैं तो आप सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। न्यू वन आपको पता है 0 होती है, न्यू टू वेरियंस होता है, न्यू थ्री और न्यू फोर क्या फार्मूले याद कर दीजिए, इस तरह आपके पास सेंट्रल मूवमेंट आ जाएगी। इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए सभी जो सी मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो
किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा जाए तो उसका ये फार्मूला है, और कोफिशियंट कर्टोसिस का ये फार्मूला होता है, और ये गामा वन गामा टू के ये फार्मूले आप याद रख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है फाइंड बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू, तो सबसे पहले आप उसकी मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल लीजिए, न्यू वन डैश न्यू टू डैश न्यू थ्री डैश न्यू फोर डैश। जब वो चार मूवमेंट्स निकल दी उसके बाद आपने निकाल लेनी है सेंट्रल मूवमेंट्स। जब सेंट्रल मूवमेंट्स निकल गई तो उसके बाद आप कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशियंट ऑफ कर्टोसिस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस सिमेट्रिक तो है क्योंकि यहाँ पे बीटा वन जीरो आ जाए, तो बीटा वन अगर जीरो आ जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, और क्योंकि इसका जो गामा टू है वो नेगेटिव है तो इसको प्लेटोक्रेटिक नेचर इसने बोला है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ई की पावर एओटा टी एक्स, यहाँ पे फंक्शन भी आएगा एफ एक्स। जैसे हम निकालते हैं ना अपना क्या कहते हैं एमजीएफ, उसमें होता है ई की टी एक्स इंटू फंक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है ई की एओटा एक्स। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना चाहे बाइनोमियल और पॉइजन, उसका फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसी तरह हमारे पास एक होता है कुमुलेटिव जेनेटिक फंक्शन। तो कुमुलेटिव जेनेटिक फंक्शन का मतलब होता है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन के आगे लॉग लगा दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा कुमुलेटिव जेनेटिक फंक्शन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपने कुमुलेटिव निकालना है तो पहले उसका मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाल के रख लीजिए, उसका के लॉग लगा दीजिए। ये तो मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, बेशक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन है ज्योमेट्रिक है तो सभी का यही दे रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर फोर, मीन डेविएशन अबाउट एमडी, यानी कि एक्स माइनस मीन का मॉड निकालना है, तो x माइनस मीन का मोड फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इंटरवल ए से बी है। ठीक है जी, अब इसने क्या किया यहाँ पे t को पुट कर दिया, इस चीज को t पुट कर दिया। ठीक है, t पुट करने से उसकी ये लिमिट्स भी चेंज होगी। ठीक है जी, तो क्योंकि ये ओनली सिंगल फंक्शन है तो उसको टू टाइम्स जीरो टू t कर दिया गया। ठीक है जी, अब आप इसकी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट पुट करके आपके पास ये आ जाएगा बी माइनस ए स्क्वेयर बनेगा, नीचे से बी माइनस ए कट जाएगा। दिस इज अ मीन डेविएशन अबाउट मीन का आर्टिकल है, सिंपल क्वेश्चन। कोटाइल्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कोटाइल्स का मतलब होता है कि जो पूरे डाटा को टोटल फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। इस तरह अगर किसी लाइन को हम चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं कोटाइल्स, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। टोटल इंटरवल मेरा क्या है ए से बी, तो मुझे क्यू वन निकालना है तो उसकी ये देखो टोटल चार पार्ट हो गए ना, तो सभी की इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वो चार इक्वल पार्ट है। तो अगर ए से क्यू वन इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, तो इसकी इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके वहां से क्यू वन आ गया। जब आपने क्यू टू निकाला तो ए से क्यू टू तक इंटीग्रेशन कर दो, टोटल कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गया इसका आंसर। बेसिकली जो क्यू टू होता है वो दैट इज अ मिडल वैल्यू, तो जो मिडल वैल्यू होती है ना वो उसको मीडियन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, तो ए से क्यू टू जब इंटीग्रेशन करोगे तो आधा हिस्सा होगा, 1/2 लिख के इंटीग्रेशन करोगे कॉन्स्टेंट की एक्स आ जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके क्यू टू माइनस से आ जाएगा, वहां से क्यू टू निकल जाएगा। अब क्यू थ्री निकालना है, इंटीग्रेशन ए की यहां तक करोगे आप तो कितने हिस्से हो गए 1/4 1/4 1/4 3/4 हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर निकल जाएगा। तो एक कोटाइल्स निकालने वाला आर्टिकल भी एक बार आ चुका है जीएनडीयू में, इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एंड वेरियंस। ठीक है, तो हमें पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए यूनिट्स का एफ एक्स है 1/b/a, अगर कुछ ना दिया तो जनरल इंटरवल ए बी ले लोगे, एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरवल ए बी, तो मीन का फार्मूला था ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू वन कर लिया, तो एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई। और वेरियंस का फार्मूला था बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 4/3, वहां से आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लीजिए तो वहां से ए और बी निकल जाएगा, ए हमेशा बी से छोटा होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। फिर उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी एक्स लेस देन जीरो, क्योंकि ये इंटरवल माइनस वन से डिफाइन किया गया तो माइनस वन तक जाएगा, तो माइनस वन टू जीरो फंक्शन की प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रल कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है एक्स इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरवल 0 to 1, तो फंक्शन क्या होगा एक्स, एक्स का एफ एक्स होगा आपका 1/1 नहीं हो जाएगा,
एपेक्स होएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 माइनस 0, 1 नहीं आ जाएगा भाई। अब हमने एक वाई इज इक्वल टू -2 log x है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल के बताना है। आप क्या करो, कैपिटल जी लीजिए, कैपिटल जी का मतलब होता है जैसे बड़ा सा ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी तरह हम निकाल रहे हैं कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई। इसकी प्रोबेबिलिटी होती थी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो वाई में वाई लेस देन इक्वल टू वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई की वैल्यू ये वाली पुट कर दी गई यहाँ से, तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके कैपिटल एक्स ग्रेटर देन ए आ गया, इसको 1 माइनस x लेस देन लिख दिया गया। अब x क्या है आपका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो 0 से लेके e की -y/2, फंक्शन की वैल्यू वहां पे 1 है, यहां पे लिखा हुआ है fx = 1, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करके ये आपके पास आ गया। अगर कैपिटल जी वाई जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दोगे वाई से, तो स्मॉल जी वाई आ जाएगा उसका पीडीएफ, तो इसका डेरिवेटिव करो ये आ जाएगा, वाई की लिमिट्स होगी 0 to infinity, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है डिफाइन किया गया 0 से 1 है, जब एक्स 0 होगा तो वाई हो जाएगा इन्फिनिटी, तो जब वाई 1 है तो वो 0 दे देगा, तो दो वैल्यू होगी 0 to infinity। अब ये जो आपका बना है ये बेसिकली इट इज अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल -c to t, -c to t तो फार्मूला क्या है, 1 ओवर b - a, तो फंक्शन बन गया। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी x इज इक्वल टू 2 पे, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का बेसिकली मतलब है कि उसकी इंटीग्रेशन करनी है 2 से 2, ठीक है। जब 2 से 2 इंटीग्रेशन करोगे किसी भी फंक्शन की तो सेम लिमिटें हैं, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है, ये आपको समझने में क्रैम करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी x लेस देन 2, तो क्योंकि इंटरवल -3 से शुरू हो रहा है, तो -3 से लेकर 2 तक इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, फंक्शन 1/6 है, तो 1/6 की इंटीग्रेशन x होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की गई, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया। अगला पार्ट है मॉड, जब मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ऐसे हो गया, सभी में +2 2 ऐड कर दीजिए, तो 0 to 4 इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा -3 to 3 डिफाइन किया गया, तो 0 to 4 वर्क नहीं करेगा, 0 to 3 वर्क करेगा। फंक्शन की वैल्यू 1/6 है, इंटीग्रेशन की x/6 आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट दिस आंसर। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।